न्यूज 17 भारत में हूं आपके साथ देवेश कुमार गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की दिनभर की खास खबरों की ओर। कैसे रुकेगा पलायन, मनरेगा का काम लगातार जेसीबी मशीनों से होने के कारण मजदूर वर्ग में लगातार भुखमरी की कगार बढ़ती जा रही है और वह मजदूरी बस पलायन करने के लिए मजबूर है। यह सब दबंग प्रधानों की वजह से हो रहा है, जहां प्रधानों की दबंगाई के कारण मनरेगा का कार्य जेसीबी मशीनों से किया जा रहा है। यह सब हम नहीं कह रहे, यह सब वहां के पीड़ित लोग कह रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार लगातार गरीब मजदूरों को उन्हीं के गांव में काम देने के उद्देश्य मनरेगा योजना चला रही है, जिससे लोगों को पलायन करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि मजदूरों को गांव में ही उचित रेट पर मजदूरी मिले। लेकिन ग्राम प्रधानों की दबंगाई के कारण सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, जहाँ प्रधानों के द्वारा मनरेगा का काम जेसीबी मशीनों से कराया जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान जमीन वाले व्यक्ति का पक्के मकान वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, जबकि गरीब असहाय लोग जिनको वास्तविक में ज़रूरत है उन्हें लाभ न मिलने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की नींद कब जागती है और ऐसे दबंग प्रधानों पर कब कार्रवाई होती है। बंगरा से लोकेश पटेल की रिपोर्ट। हमारे गांव में विकास दुबे की तरह हनक चल रही है ग्राम प्रधान की, वो ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी की और ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? अरबपति व्यक्ति है, कोई गरीब आदमी किसी भी चीज की शिकायत करे, किसी जगह करे, कोई अधिकारी के पास जाए, कोई सुनवाई नहीं होती, उनके सब जगह मैनेजमेंट क्या मनमानी कर रहे हैं। जैसे आवास है, मनरेगा है, जो हमारी शासन की नीति है विकास गरीब व्यक्तियों को लाभ, वो अपने मन मर्जी से अपने व्यक्तियों को दे रहा है, निजी व्यक्तियों को दे रहा है। अच्छा, तो अभी आपने किसकी शिकायत की थी? अभी हमने माननीय सांसद महोदय जी से की थी, 19 तारीख को, महीना 4। आज हमारे यहाँ हमारे पास फोन आया, बोले भाई आपके पास हम गाँव में जांच करने के लिए आ रहे हैं, आप मिलना जी। ठीक है, इसके बाद वो आए तो हमें कुछ पता चला कि वो आ गए, तो हमने उन्हें वही फ़ोन वापस किया, हमने साहब आप कहाँ मिलना चाहते, बोले हम आपके गऊ आश्रय आए थे, वापसी में आपसे मिलते हैं। वापसी में मिले, बातचीत हुई, हमने कि साहब आप जो हमारे गांव के लोग लाभार्थी हैं, पात्र व्यक्ति हैं, आप उनके यहाँ गए देखने के लिए? बोले नहीं, अब उन्होंने हमसे घुमाऊ तरीके से बात की। अच्छा, वो सीधे आए ग्राम पंचायत में बैठे, बोले नहीं नहीं हम तो ग्राम पंचायत में आपको बुलाया था, आप वहाँ क्यों नहीं आए? तो हमने आप पंचायत भवन में बैठने के लिए आए थे या जांच करने के लिए आए थे? जी, आपको एक जांच कमेटी बनाया है, अधिकारी बनाया, आप जांच करने तो कहीं किसी लाभार्थी के यहाँ गए? या जो हमने कहा, हमने शिकायत की कि जी अपात्र व्यक्ति है, आप किसी अपात्र के घर गए देखने के लिए इसका मकान बना है कि नहीं बना? हम जैसे आरोप लगा रहे कि उसके चार दीवारी पूरा पक्का मकान बना 50x50 में, जिनके 8-8 एकड़ के काश्तकार हैं, वो ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, और जो हमने नाम दिए हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ नहीं है रहने के लिए, छत भी नहीं, एक पॉलीथिन में रह रहे हैं वो बेचारे, जिनके पास शाम को दिन भर मजदूरी करते, जब वो शाम को आटा लेके खाते, वो SDM साहब के पास जा रहे, वो DM साहब के पास जा रहे, DM साहब ने जात दे दी CDO साहब को, CDO साहब ने पकड़ा दी SDM को, SDM ने दे दी लेखपाल को, लेखपाल को गड्डी मिल गई तो वो अपने वहीं से उन्हें तहसील से बैठ के अपनी रिपोर्ट बना दी। आज तक के रिकॉर्ड में कोई यहाँ व्यक्ति जांच करने के लिए नहीं आया। जब आपने माननीय सांसद जी के समक्ष अपनी शिकायत रखी मांग के लिए, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये कहा था कि आपके यहाँ जांच करने अधिकारी जाएंगे और आपकी निष्पक्ष जांच होगी। अभी जो जांच हुई है उस जांच से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो आए अपने, जैसे हम कहीं टूर पे नहीं जाते घूमने के लिए। अच्छा, इसी तरह अधिकारियों को बढ़िया गाड़ी, सब व्यवस्थाएं मिल गई, AC वाली गाड़ी मिल गई, गार्ड मिल गए, PRO मिल गए, आए इसी तरह अपने पिकनिक मना के यहाँ से चले गए, प्रधान जी से मोटी गड्डी भी मिल गई होगी। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो अधिकारी हमारे यहाँ गरीब व्यक्तियों को परेशान कर रहे थे, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो बेचारे उनको शोषण हो रहा है, मतलब उनके साथ अत्याचार कर रहा है, हमें तो ये लगता है कि वो अत्याचार कर रहे हैं उनके साथ, वो बेचारे दर भटक रहे हैं अपने बच्चों को लिए, हम मतलब आपके पास जा रहे हैं, मतलब कई जगह जा रहे हैं, तो उनके साथ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि आप गरीब व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं को पहुँचाने वाले अधिकारी और आप योजनाओं को ना पहुँचा के उन गरीब व्यक्तियों को परेशान कर। आवाज नहीं आया।
आवास नहीं मिला आपको? नहीं। आपने शिकायत की कहीं आवास के बारे में? कहाँ पे? टहरौली गई थी। क्या कहा था अधिकारियों ने? ये बोले थे कि आपको आवास आएगा तो पैसा देना 20,000 रुपया। कौन कह रहा था? अधिकारी बोल रहे थे अब यहाँ हमारे यहाँ जाँच माँच कहीं नहीं है, पैसा कहाँ से देंगे? हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से देंगे? हमारे लड़के बच्चे हैं सियाने, हम पैसा कहाँ से देंगे? खावे खिलाना तो बैठे हैं यहाँ। क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? गरीब आदमी है हमारा आवाज वो यहाँ दिए खन्नी गए वो यहाँ क्या है कि उनके बनी है आवाज। गरीब आदमी की आवाज नहीं है, बड़े आदमी की आवाज है। बड़े आदमी की आवाज बने? हाँ। किसने बनवाया? बड़े लोगों प्रधान ने। शिकायत आवास ने। आवास की शिकायत है? हाँ। तो आपने कहीं शिकायत नहीं करवाई इसके बारे में? करवाई टहरौली। टहरौली गई थी आप? हाँ। क्या कहा था वहाँ पे शिकायत? आवास की शिकायत की थी हमने, हमको आवास चाहिए। हमारा सूची में नाम था, नाम प्रधान ने कटवा दिया। प्रधान ने नाम कटवा दिया? हाँ। गरीब लोग हैं सब, खाने के लायक तो हो नहीं रहा है, मकान कहाँ से बनाएंगे? तो आपने जब शिकायत की उसके बारे में, हाँ। तो कोई जांच के लिए आया फिर? नहीं आए हमारे पास, ना हमें कोई सूचना दी गई। कोई नहीं आया जांच? नहीं। ना ही आपको किसी ने सूचना दी? नहीं नहीं। आप क्या चाहती हैं? अब हम जी चाहते हैं कि हमारा तो आवास आ जाए। गरीब आदमी है, पैसा नहीं है मेरे पास, हम कहाँ से पैसा देंगे? सिक्योरिटी पैसा मांग रहा है। सिक्योरिटी पैसा मांगता है? हाँ। कितने रुपए मांगे गए आपसे? 10-20 हज़ार रुपया मांगे हैं। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे 20,000 रुपया दो तो आपका आवास आ जाएगा अगली।